कैसे हो आप सब, होश वास सब अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहना। मैं अंकुर और आपके सामने ला रहा हूँ एक और टैलेंट, और ये टैलेंट मुजफ्फरनगर से ही है। सो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे शहर के एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, और ये बॉडी बिल्डर मैन नहीं है, वुमेन है, जो एक हाउसवाइफ के साथ एक ट्रेनर भी हैं। और बस आपको उनकी छोटी सी झलक दिखाता हूँ और फिर आपको उनसे मिलवाता हूँ। भारद्वाज से, तो हाय शिवी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अंकुर, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो हमेशा बढ़िया ही रहता हूँ, मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं होती। तो अच्छा लगा आज आप मुझसे मिलना है। ओह माय गॉड, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो शिवी, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। हाय गाइस, माय नेम इज शिवी भारद्वाज, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, एंड आई एम फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम बॉडी स्टेशन जिम, और मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ। चलो, ये बताना भी बहुत जरूरी था। और बॉडी स्टेशन को तो यहाँ पूरे मुजफ्फरनगर में सब जानते ही हैं। तो शिवी, मतलब आप एक, जैसे आपने बोला आप एक हाउस वाइफ हो जी, तो हाउस वाइफ के साथ एक बॉडी, मतलब बॉडी फील्डिंग है या इसमें, इस प्रोफेशन में आने का आपका क्या मोटिव रहा? एक्चुअली मोटिव तो ऐसा कुछ नहीं था पहले मेरा, लेकिन क्या बताऊँ कि घर पे काम वाम करके ऐसे ही रहता था। तो एक दिन आशीष सर मुझे मिले, तो वो बोलने लगे कि भाई जब आप पहले स्पोर्ट्स में थे स्कूल टाइम में, तो अभी क्यों नहीं करते कुछ। तो लाइफ मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर मैंने दोबारा से अपना मन बनाया, मैंने जिम ज्वाइन किया। मैं पहले बॉडी स्टेशन नहीं कर रही थी, मैंने जिम ज्वाइन किया, सर ने मुझे कराया काफ़ी अच्छा वर्कआउट, एक एक चीज़ सिखाई, फिर अमित राठी सर से मिलवाया। तो शिवी, बताया कि आप इस लाइन में कैसे आए? मेरे फ्रेंड ने आशीष कौशिक, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर है, और मैं उन्हें देख के मोटिवेट हुई, मेरा खुद का मन हुआ कि हाँ मुझे भी इस लाइन में जाना चाहिए। उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, और जब मैं अच्छे से ट्रेंड हो गई तो वो मुझे बॉडी स्टेशन जिम लेके आए, उन्होंने अमित राठी सर से मुझे मिलवाया, और मैं आज प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। और ऐसी भी, जैसे मतलब गर्ल्स की बॉडी तो थोड़ी वीक होती है बॉयज़ से, देखो ये तो हम मानेंगे ही, तो जैसे आप वेट उठाते थे, तो उसमें आपका कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली पहले मैं बिल्कुल वेट नहीं उठा पाती थी, मतलब 250 का भी नहीं उठा पाती थी मैं, लेग प्रेस पे बिल्कुल फ्री करती थी। आशीष ने झूठ बोल बोल के कि 10 की प्लेट को 2.5 बता के मुझे करवाया। तो फिर उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, अभी मैं काफ़ी अच्छा वेट लगा लेती हूँ। तो आपकी डाइट क्या रहती है पहले और अब में, उस डाइट में क्या अंतर है? पहले मेरी डाइट क्या होती थी, मैं स्प्राउट, बनानाज, या जैसे मट्ठा होता है उनमें काफ़ी प्रोटीन होता है, ये चीज़ें लेती थी। और अभी मैं क्या है डाइट में कि अब तो देखो मुझे जैसे कंपटीशन वगैरह भी खेलने हैं, तो मैं प्रोटीन लेती हूँ, मेरी डाइट में ही है सब। तो जैसे कि मतलब हर कोई एक डाइट मेंटेन नहीं कर पाता अपनी, तो नॉर्मल डाइट्स में क्या ले सकते हैं हम लोग? नॉर्मल डाइट में जैसे मेंबर अपना, अगर आपको गेन करना है या लूज़ करना है, उस हिसाब से कर सकते हैं कि स्प्राउट लो आप, चीज़ लो, शेक्स ले लो, जैसे गेनिंग पे जा रहे हैं तो। और जिस तरह से आपके पास मतलब क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरे पास हर तरह का क्लाइंट आता है, जैसे कि मेडिकल क्लाइंट हुए, वेट लॉस के हुए, वेट गेन के हुए, तो हर तरीके के क्लाइंट आते हैं, मैं उन्हें हर तरीके से हैंडल करती हूँ जितना हो सकता है। तो आज आप जिस लेवल पे हैं, तो इन फ्यूचर आपको अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मुझे वुमेन फिजिक का कॉम्पिटिशन खेलना है। तो ये कहाँ पर होता है? ये बाहर होते हैं, बाहर बोल तो मतलब दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो उसके लिए मतलब कब होएगा? इसके लिए मेरी तैयारी चल रही है, जिस दिन भी मैं पूरा मतलब तैयार हो जाऊंगी तो जरूर खेल के आऊंगी।
जैसे आपके एक नया मेंबर आता है तो आप उसको किस तरह से ट्रेन करते हो? जैसे कोई फ्रेश मेंबर आया, मतलब बिगनर ही है, तो उसको पहले वार्म अप, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग वगैरह सारा कराएंगे। 1 वीक तक उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फिर धीरे धीरे 1 वीक के बाद वेट इंक्रीज कराएंगे, स्ट्रेंथ देख के उसकी कि क्या है, रैप रेंज कम कर देंगे और वेट इंक्रीज करा देंगे। तो अभी तक आप कितने बंदों को ट्रेन कर चुके हो? काफ़ी बंदे ट्रेन कर चुकी हूँ मैं, जिसमें कि एक आप भी हैं। सो तो मतलब कैसा फीडबैक रहता है आपके स्टूडेंट्स का? मेरे सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक अच्छा है, उनको रिजल्ट भी बढ़िया मिला है, जो कि आप मेरे स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हैं। तो इनके स्टूडेंट्स की भी कुछ क्लिप अब मैं आपको दिखाऊंगा, इनको एक्सरसाइज कराते हुए और कैसे लगते हैं मैम एक्सरसाइज कराते हुए और किस क्या इनका बिहेवियर रहता है अपने स्टूडेंट के लिए। सो तो मतलब ये सब तो चलो हो गया, तो आपके गोल भी सब कुछ फीमेल्स के माइंड में ये रहता है कि हम वेट उठाएंगे तो कहीं बॉयज जैसी बॉडी ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वेट उठाने से, वेट ट्रेनिंग से कोई बॉयज जैसी बॉडी नहीं बनती, बल्कि जो आपकी स्किन लूज होती है वो टाइट होने लगती है धीरे धीरे। जैसे कि आप ज़्यादा कार्डियो करेंगे, जुम्बा करेंगे, तो स्किन लटक जाएगी, लेकिन उसी के साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो आपकी स्किन टाइट रहती है। सो बहुत से गर्ल्स के माइंड में ही रहता है कि जैसे हम अगर इस लाइन में जाएं, फिटनेस की लाइन में, बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बॉयज जैसा हो जाता है लगभग, तो आपको ऐसा लगा आज तक कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की मतलब क्या उसकी बॉडी को मतलब गोल है, उसको करना क्या है, उस हिसाब से होता है। किसी को बिल्कुल फिट होना है, फिटनेस के लिए आ रहे हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए आ रहा है, तो उस हिसाब से हम उनका वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं, उनको वर्कआउट कराते हैं। और जैसे कि हमारा जैसे शहर सिटी में और मतलब और भी जगह जैसे कंबाइंड है गर्ल्स और बॉयज़ का जिम, तो हमारे जिम में कैसा माहौल रहता है इस चीज़ से रिलेटेड? हमारे जिम का सबसे अच्छा माहौल है यहाँ पे, मतलब ये तो आपको वैसे मेंबर्स भी बता देंगे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है वर्कआउट कराते हुए भी और मेंबर्स को करते हुए भी, तो कंफर्टेबल रहते हैं जी सब बिल्कुल। सो शिवी जैसे मतलब आप 4 साल से एक ट्रेनर हो, तो मतलब आपको ट्रेनर से स्ट्रेंथ, जैसे आप अपनी एक्सरसाइज भी करते हो, तो कौन हेल्प करता है? मुझे अमित राठी सर से काफ़ी सपोर्ट मिला है, वो टाइम टाइम पे मुझे गाइड करते रहते हैं कि भाई कैसे करना चाहिए क्या नहीं, स्पेशल कोचिंग भी दे देते हैं, समझाते हैं हमें, सभी ट्रेनर्स को, ऐसा नहीं है कि मुझे, सबको समझाते रहते हैं, तो सर का सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहा है। तो जैसे हमारा शहर में अपना सबसे अच्छा जिम है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? गाइस मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ एक बार आएँ और हमारा जिम ज्वाइन करके देखें, और हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं और काफ़ी सपोर्टिव है स्टाफ। तो आज के लिए इतना ही इंटरव्यू काफ़ी है मैम का, तो आप बताएं कमेंट में कि किस तरह से। थैंक यू अंकुर, और आप आए, आपने अपना टाइम निकाला कि आप मेरे बारे में जानें और लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और बस मिलते हैं, बाय।